Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का special स्वागत आज के session में. We are going to see the news snippets from various newspapers like The Hindu, The Indian Express, and Live Mint, relevant from UPSC perspective as well as स्टेट सर्विस परस्पेक्टिव एज वेल. एंड ये पहला सेशन है न्यूज का आज का. सेकेंड सेशन एडिटोरियल्स का होगा एग्जैक्टली एट 8 o'clock. तो बोथ दीज सेशंस, इफ यू प्रोसीड टुवर्ड्स वॉचिंग बोथ दीज सेशंस, इट विल प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द करेंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस. और कल से इसी सेक्शन में, जो मॉर्निंग का सेक्शन है 6:15 का, इसी में कल से PIB के न्यूज अटैच हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे. यस यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड. फॉर द पास्ट 1 decade इन ऑफलाइन मेंटरिंग एंड पास्ट 11 मंथ्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. इन यूपीएससी आई हैव अपीयर्ड ट्वाइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, 4 attempts, 4 mains, 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट. 2007 आई मिस्ड बाई 2 marks द फाइनल सेलेक्शन. आई वॉज देन द रिजर्व लिस्ट ऑफ यूपीएससी. I have also worked as Assistant Commissioner of Sales Tax in the State Services for 3 years through the State Service Examination, after which I resigned from the service to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel unacademy_anurag_singh, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF के लिए and further updates के लिए. And students, yes, yes, students, good morning, good morning. And और ये मैं एडवाइस करूंगा दैट अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इधर अपॉन द प्लस और अपॉन द आइकनिक प्लस पे. आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट. आइकनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर एंड डेली डाउट क्लैरिफिकेशन एंड डेली मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. एंड प्लस और आइकनिक देखिए, टॉप एजुकेटर्स टेकिंग द प्लस कोर्सेज अपॉन द प्लेटफॉर्म. एंड ये देखिए प्लस और आइकनिक के प्लान्स, 1 year, 2 year, 3 year प्लान्स. यू कैन पे दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एज वेल, EMIs में आप पे कर सकते हैं. लोन भी उपलब्ध है अनअकैडमी के ऐप पर. एंड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द लोन यू कैन फॉलो द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बीनीथ दिस वीडियो. तो लोन लेने के लिए भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. एंड यूज अनुराग एस रेफरल कोड, गेट अ 10% ऑफ ओवर दीज प्राइसेस एंड आल्सो गेट माय नोट्स, बुकलेट्स एंड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको NCERT का कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा. फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन यू विल गेट एवरी नोट्स अपॉन माई व्हाट्सएप ग्रुप. एंड स्टूडेंट्स अभी आइकनिक मेंटरशिप में अगर आप 2 years का प्लान लेते हैं, यू विल बी put into a limited seats batch of 100 only. You can see it here. जहाँ top mentors Unacademy के आपको mentoring करेंगे, जहाँ daily in-person doubt solving होगा, weekly one-on-one personal mentoring होगा. The last date is June 30 for this batch and ये 2 years की iconic mentorship में आपको इस batch में डाला जाएगा. And students, you can see Maha's subscription offer is going on. That is extended subscription. If you subscribe now, you are going to get 4 months extra subscription on Unacademy. And साथ में एक और भी अभी चल रहा है offer. Free test series worth ₹30,000 will be given to you along with the subscription if you subscribe till 30th June. तो 30 June तक बहुत सारे offers running हैं. This is the best time to subscribe for the same. And students, every week on Wednesdays, new batches come up. ये देखिए 1 year, 2 year Phoenix Revision and NCERT batch courses are coming up from 30th June. And apart from this, there is free test series for everyone. And there is Unacademy Combat Scholarship test. You can see it here. Use code Anurag to unlock this test. It's every Sunday 11 a.m. and win scholarships including subscriptions. And before proceeding ahead, let me tell you, you can report and win opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize from this video. Report any inappropriate content using the form given in the description box. So, chaliye shuru karte hain aaj ka session. Ready hain aap log? Tell me, students.
दिस इज माई प्रोफाइल लिंक अनुराग IMS, ये अनअकैडमी ऐप पर मेरा प्रोफाइल लिंक है, इसको फॉलो कीजिए अनुराग IMS। और शाम को आज दो सेशंस हैं स्टूडेंट्स, वन इज ओवर फिजिकल ज्योग्राफी एंड द सेकेंड इज ओवर हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर UPSC। दोनों सेशंस फॉलो करना है, लगभग वो द सेशंस आर ऑफ 70-80 मिनट्स ईच, सो फॉलो इट टुडे। कल भी दो सेशंस होंगे, अभी लगातार दिस वीक इज गोइंग टू हैव टू सेशंस एवरी डे अपॉन द अनअकैडमी ऐप, इट्स फ्री स्पेशल सेशंस। सो लेट्स बिगिन, चलिए बढ़ चलते हैं आज के न्यूज की तरफ। 28 जून है आज, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच फॉर द मेंस एंड 360 डिग्री अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स। लेट्स सी द फर्स्ट न्यूज कमिंग अप ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट न्यूज। लेकिन उसके पहले निकाल लीजिए एटलस, एटलस इज नेसेसरी। GS पेपर 1, 2, 3 मेंस का सिलेबस निकालिए एंड नोटबुक निकालिए न्यूज का एंड टेक आउट 3-4 कलर्ड पेंस। लेट्स प्रोसीड अहेड। द फर्स्ट न्यूज कमिंग अप आउट हियर इज ड्रोन्स आर नाउ अ फेवरेट टेरर टूल। द हिंदू का बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज करंट अफेयर्स का, all because of the incident which happened yesterday in which the dropping of explosive devices from drones in the technical area of the air force station in Jammu has triggering the blast in the early hours of Sunday was the first such instance in India. ye dekhiye Jammu mein drones ka istemal kiya gaya hai blast trigger karne ke liye, explosive devices bheje gaye the via drones। तो ड्रोन्स आर बिकमिंग नाउ अ फेवरेट टेरर टूल, यही न्यूज है। ये देखिए बहुत क्रूशियल न्यूज, क्योंकि यहां पे UPSC माइट गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन ओवर दिस। व्हाट कैन बी द क्वेश्चन, यू कैन सी इट हियर। ये देखिए, टेक्नोलॉजी एज अ डबल एजेड सोर्ड, डू यू एग्री, टेल मी इन द चैट बॉक्स। ड्रोन्स का इस्तेमाल एक तरफ हम अभी देखने वाले थे दैट बहुत जगहों पर सर्विसेस के लिए किया जा रहा है। Just last year one news came up, drones were used in Africa for the delivery of medicines, और अब COVID-19 vaccinations के लिए भी इस्तेमाल करने की बात चल रही थी, ठीक है। COVID-19 vaccinations को भी, वैक्सीन्स को भी पहुंचाने की बात चल रही थी, और इधर ड्रोन्स का इस्तेमाल as a tool of terror। टेल मी स्टूडेंट्स, इज टेक अ डबल एजेड सोर्ड। बिल्कुल, एक डबल एजेड सोर्ड का मतलब क्या होता है, इसके अपने एडवांटेजेस हैं लेकिन इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी के। यस, शायद आपको याद होगा स्टूडेंट्स, आई एम नॉट कोरिलेटिंग और या कंपेयरिंग, बट दिस डायनामाइट का जो जब क्या कहते हैं डायनामाइट बनाया गया पहली बार, तो कहा गया था कि माइनिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नई जीत है, लेकिन उसी का इस्तेमाल एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करना भी शुरू किया गया। तो इवन एवरी डिस्कवरी, एवरी इन्वेंशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस, हैज इट्स ओन सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस। और ड्रोन्स के ऊपर तो ड्रोन्स या अनमैंड एरियल व्हीकल्स, ये देखिए अनमैंड एरियल व्हीकल्स, ये एक बहुत बड़ा अभी समझ लीजिए अभी सबक है कि इसके ऊपर तुरंत कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। सी ड्रोन्स आर सच दैट आज की तारीख में इतने ज्यादा बिक भी रहे हैं अक्रॉस ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड अक्रॉस द शॉप्स दैट एनीवन कैन बाय अ ड्रोन, एनीवन कैन दिस क्या कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस तक के लिए भेजने के लिए भी, ठीक है। ऐसे सिनारियों में वी नीड अ सेट ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशंस आर नीडेड in the field, yes. And yes, every coin has both the sides. और इसीलिए students, यहाँ पे मैं बस बोलूंगा ये एक example है terrorism में drone का इस्तेमाल करना। ये देखिए drones favorite tool of Pakistan based terror outfits, क्या ये cross border terrorism में आप link कीजिएगा, tell me, क्या ये आप India Pakistan relations में link कीजिएगा ये news, ये देखिए। डोंट यू थिंक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ये देखिए इसमें चैलेंज, ये चैलेंज है एक, सब कुछ ठीक होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, अचानक से ड्रोन्स आर कमिंग अप एंड किलिंग ऑल द इनिशिएटिव टेकन इन द पास्ट 2 मंथ्स, जो पीस के लिए लिया था इंडिया और पाकिस्तान ने।
यस नमस्कार नमस्कार, जुड़ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है। अनडिटेक्टेड बाई रडार्स दे आर यूज टू स्मगल ड्रग्स एंड वेपन्स एंड कंडक्ट एरियल सर्विलांस। ये देखिए अनडिटेक्टेड सबसे बड़ी बात है, रडार्स से अनडिटेक्टेड दे आर अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये देखिए और यहां एक वर्ड लिखा हुआ स्टूडेंट्स, टेररिज्म की बात छोड़ दीजिए, डोंट यू थिंक एरियल सर्विलांस दिस इज अ थिंग ऑफ कंसर्न। सर्विलांस, कोई नजर रखे हुए है ड्रोन के थ्रू दूसरे देशों पर, चिंता की बात है। तो यू कैन वेरी वेल, यस अनडिटेक्टेड बाई रडार्स, इसका साफ साफ मतलब इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये देखिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुना है आपने स्टेल्थ टेक का मतलब क्या होता है, विच गोज अनडिटेक्टेड। यस स्टेल्थ, इस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में 3 बार क्वेश्चन पूछा है, 3 times, व्हाट इज स्टेल्थ टेक। ड्रोन्स इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो आप बोलेगा ओके सर, वी गॉट द कंप्लीट न्यूज, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जम्मू में एक्सप्लोसिव्स गिराए गए, ब्लास्ट ट्रिगर किए गए ड्रोन्स के हेल्प से, ये सब न्यूज, ये सब मेंस में कहां कहां लिंक होगा, ऐसे में लिंक हो सकता है, ऐसे माइट कम टेक एज अ डबल एजेड सोर्ड। सेकेंड, यूज ऑफ ड्रोन्स, अगर टेररिज्म पे कोई क्वेश्चन आया या ऐसे आया, यूज ऑफ ड्रोन्स इन टेररिज्म। ऑल्सो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ये देखिए ऑल्सो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ये देखिए जीएस पेपर 2 IR में ये जरूर से, अगर कोई क्वेश्चन आया इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, यू कैन लिंक दिस टॉपिक। स्टेल्थ टेक का मतलब होता है अनडिटेक्टेड, स्टेल्थ टेक का मतलब होता है सीक्रेट, स्टेल्थ टेक का मतलब होता है क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन, जो किसी को पता ना चले। और टेक्नोलॉजी आज ऐसे एडवांस कर गई है, ध्यान दीजिएगा कि आप एक कंट्री के पास रडार्स होते हैं, जिस कंट्री एवरी कंट्री हैज रडार्स, बट जो दूसरी कंट्री है जो इट ट्राइज टू फाइंड इट्स वे इन द अदर कंट्री, उसके पास नया टेक भी होता है रडार्स को स्किप करने के लिए। रडार्स को स्किप करने के लिए जिस टेक का इस्तेमाल होता है उसे स्टेल्थ टेक कहते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कितने जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बॉडी बहुत स्ट्रीमलाइंड होती है, शार्प। ये देखिए द बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड द फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज हैविंग अ ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप अपने आप में एक ऐसा शेप है जो रडार्स के रेडिएशंस को डेविएट करता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। गेट द पॉइंट, आपने देखा होगा आज की तारीख में मिसाइल्स का भी यही शेप बना रह रहा है, ट्रायंगल शेप आगे में, अपने आप में कोनिकल शेप आगे में, अपने आप में एक ऐसा शेप होता है विच डिफ्लेक्ट्स द रेडिएशंस। रडार का एम क्या होता है, रडार के रेडिएशंस आएंगे और क्या कहते हैं, अगर कोई बॉडी होगी रिफ्लेक्ट बैक होंगे, रिफ्लेक्शन, बट रिफ्लेक्शन अवॉइड करने के लिए बस शेप चेंज कर दिया गया, कोनिकल शेप। और साथ में क्या कुछ पेंट्स होते हैं, पेंट कर दो रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेंगे, यस रेडिएशन अब्सॉर्बिंग पेंट्स। तो ये सब टेक डेवलप हो रहा है, उसमें ड्रोन्स भी एक नई खोज, ड्रोन्स आर अ न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड दे आर माइटी डेंजरस। लेट मी टेल यू, ये वही ड्रोन्स थे जिनपे यूएस हैड टू डिपेंड इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स, देखिए ये भी आ गया, अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स वर लूजिंग द वॉर एट वन टाइम एंड देन दे ब्रॉट ड्रोन्स, क्योंकि एवरी एयरक्राफ्ट वॉज बींग ब्रॉट डाउन बाई तालिबान पीपल। तालिबान एक एक यूएस के एयरक्राफ्ट को और नेटो के एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा दे रहे थे और तब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ। गेटिंग द पॉइंट, और यही वजह स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के वॉर में एक बड़ा रोल है। आप अमेरिका से मींस यूएस एंड नेटो दे मींस उन्होंने एक्सेप्ट किया, ड्रोन्स हैड अ बिग रोल टू प्ले, अनमैंड एरियल व्हीकल्स हैड अ बिग रोल टू प्ले इन अफगानिस्तान वॉर, दैट्स इट। क्लियर है, ड्रोन्स एक डिवाइस होता है, ठीक है। एक ये देखिए यहां पे, इसमें कैमरा लगा दीजिए, इसमें मेडिकल, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें वैक्सीन भेज दीजिए,
ठीक है, इसमें सर्विलांस कर दीजिए, इसमें एक्सप्लोसिव भेज दीजिए, अलग अलग इंसान अलग अलग इस्तेमाल करेगा, द इंटेंशन रियली मैटर्स। चलिए प्रोसीड अहेड करते हैं। सेकेंड न्यूज आज का आईआर का न्यूज है, ईरान रिफ्यूजेस टू गिव इमेजेस फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियर साइट्स टू IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ईरान इज गोइंग न्यूक्लियर, और ये देखिए न्यूज फिर से आ गया, ये द हिंदू में भी आया हुआ है, द इंडियन एक्सप्रेस में भी सेम न्यूज हैज कम अप। ईरान इज गोइंग न्यूक्लियर एंड इट्स नॉट गिविंग, मींस क्या कहते हैं, ईरान जैसे न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ ये आगे बढ़ा, उसके बाद यूएस एंड ईरान के रिलेशंस खराब भी हुए थे, बट बोथ डिस्कस्ड मच, क्या कहते हैं, दोनों बोथ द कंट्रीज केम अप ऑन द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अंडर बराक ओबामा द यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन फिर रिलेशंस खराब हो गए आफ्टर द कमिंग ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब वापसी हुई है जोसेफ बाइडेन की, और जोसेफ बाइडेन, जो बाइडेन आप कह लीजिए, ठीक है, ही हैज इनिशिएटेड टॉक्स बट स्टिल ईरान इज रिफ्यूजिंग, यू कैन सी इट हियर। तो अब आप बोलिएगा कि सर IAEA क्या है, IAEA के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा, IAEA इज अ एजेंसी विच वॉज मेड अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका नाम सुना है आपने, NPT, उसी के तहत ये बनाया गया था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 it was brought out, adopted, and 1970 it came into force. ये देखिए 1970 में ये force में आ गया, same news है लगभग, ठीक है। बस ये है यहाँ पे कि IAEA की powers क्या है, इसी में एक agency बनाया गया IAEA. What is this treaty all about? This treaty talks about five countries having nuclear weapons, nuclear weapon states, five countries, NWS, nuclear weapon states, ये देखिए, and the remaining world has non-nuclear weapon states, ये देखिए, and then this nuclear weapon states and non-nuclear weapon states, ये देखिए, दो में divide करता है world को, haves and have-nots, जिसके पास उस समय nuclear weapons थे, और फिर ये कहता है कि अब कोई दूसरा देश या कोई भी देश अब नया weapon नहीं बनाएगा। इन शॉर्ट, जिसके पास वेपन है उनके पास रहेंगे, पांच देशों के पास, रिमेनिंग कोई बनाएगा नहीं, और कोई नहीं बनाएगा, इसके लिए स्प्रेड नहीं होना चाहिए, टेक शुड नॉट स्प्रेड, और यही देखने के लिए एजेंसी शुड कम अप, द एजेंसी इज IAEA केम अप टू सी की स्प्रेड ना हो वेपन्स का। ये तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से भरपूर, ठीक है, इनइक्वालिटी से भरपूर। ये वही बात हो गया कि यूएस ये कहता है, यूएसएसआर ये कहता है, चाइना ये कहता है, फ्रांस एंड यूके ये कहते हैं दैट अब हमारे पास आ गया है, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ, NPT साइन करो, अब कोई नहीं बनाएगा। इंडिया ने साइन नहीं किया है इसी बेसिस पर, ठीक है। IAEA यहां पे एक एजेंसी है जो चेक करता है हर कंट्री में जाकर, यू कैन सी इट हियर, IAEA चेक्स ऑल द फैसिलिटीज। IAEA सेज दैट आपको अगर न्यूक्लियर एनर्जी पावर जनरेशन करना है, पीसफुल यूज करना है न्यूक्लियर पावर का, पीसफुल यूज, यस, देखिए कहां पे, एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, डीसेलिनेशन प्लांट में, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मुझसे पूछिए, मैं रिसर्च करके दूंगा आपको, ये देखिए, लेकिन खुद से मत बनाइएगा, डोंट गो अलोन, एंड फॉर दिस पर्पस आई विल कम टू यू एंड चेक यू, ठीक है। ये वही बात हो गई दैट आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसा है, तैयारी कर रहे हो UPSC की, मैं आके चेक करूंगा क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, रोज आके चेक करूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर 10 बार, फिर 20 बार, ठीक है। यहां देखिए, इसको मल्टीपल एंट्रीज वीजाज मिलते हैं, इसके इंस्पेक्टर्स को मल्टीपल एंट्री वीजा इन अ ईयर, इट इज द विजिलेंस एजेंसी, और इसके लिए सारे कंट्रीज को साइन करना है IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल, ये देखिए,
और इसी में लिखा हुआ है, इसी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये देखिए सेट ऑफ रूल्स, इसी में लिखा हुआ है द ऑल द कंट्री शुड हैंड ओवर द इमेजेस, जो भी पिक्चर्स लिए जाते हैं न्यूक्लियर साइट्स के उसके इमेजेस हैंड ओवर करना जरूरी है सारे कंट्रीज को। किसे सबमिट करना जरूरी है? आईएईए। आईएईए क्या करता है? फाइल मेंटेन करता है। ये ईरान का फाइल है, ये इंडिया का फाइल है, ठीक है, ये चाइना, चाइना का फाइल इधर रखेंगे, ठीक है, ये यूएस का फाइल है इधर रखते हैं, ये यूके का फाइल है इधर रखते हैं, फ्रांस इधर, ये हैव्स हैं इनके पास, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले देशों का देखना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया का फाइल नहीं आया है, मना कर दिया उसने, ठीक है, ऐसे ही कंडीशंस वहां पे। एडिशनल प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एवरी कंट्री हैज टू साइन व्हिच हैज साइन द एनपीटी, ये देखिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये देखिए, अब ईरान ने कहा है कि हम नहीं देंगे, अब फोटो इमेजेस नहीं देंगे हम, अब ये ऑलरेडी आई ये कह रहा है क्या कर क्या रहे हो, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, कम से कम फोटो दे दो मुझे, थोड़ा सा हम देख लेंगे, हम लिख देंगे ठीक ठाक। ईरान ने कहा नहीं देंगे, मींस देखिए खुद सोचिए, ईरान कह रहा है कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एजेंसी, यू आर बीइंग रन बाय यूएस एंड द बिग फाइव, आप यूएसए रन कर रहा है आपको, मैं आपको नहीं दूंगा इमेजेस क्योंकि आप यूएस भेज देते हो, ठीक है। इन शॉर्ट ये साफ साफ इंडिकेशन है दैट नन ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। डू यू एग्री? टेल मी इन द चैट बॉक्स। None of the independent international agencies are working independently. स्वतंत्र तरीके से कोई नहीं काम कर रहा है, ये देखिए। फोटोज रखे जाते हैं न्यूक्लियर साइट्स के, उसे देख के मालूम चलता है कि रिएक्टर कैसे फंक्शन कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो सोच लीजिए, तो ईरान इज सेइंग दैट यू आर लेड बाय यूएस, ठीक है, और इसके लिए पता है ईरान, ईरान की बात गलत नहीं है, द थिंग इज दैट इट्स करेक्ट, इट्स बीइंग रन बाय द यूएस लेड ग्रुप, द बिग फाइव ग्रुप, दैट्स इट, एंड इन दिस केस ऑल द कंट्रीज आर ऑन वन साइड, चाइना, यूएस, यूएसएसआर, एवरी कंट्री इज ऑन दैट साइड। सो आउट हियर व्हाट इज द न्यूज, व्हाई इज द न्यूज इंपॉर्टेंट? आईएईए पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, डू यू एग्री? आईएईए पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए, ऑलरेडी सवाल खड़े हो रहे हैं किसके ऊपर, इंटरनेशनल एजेंसीज के ऊपर, कि क्या ये इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करते हैं? नो। अभी डब्ल्यूएचओ को लेकर देखिए, चाइना वाला जो कोविड-19 इश्यू, ये देखिए, अभी आईएईए का देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का लेकर इश्यू, कोई इंटरनेशनल एजेंसी फंक्शन कर ही नहीं रहा है। डोंट यू थिंक दे नीड रिफॉर्म्स? टेल मी, दे नीड रिफॉर्म्स? यस, एंड यूपीएससी इस बार ऐसे पूछने वाला है, मैं बता दूं आपको आज की तारीख में, यूपीएससी विल आस्क अ फुल फ्लेज्ड एसे, बी रेडी फॉर इट दिस ईयर, मीन्स जनवरी में। वॉट इज विल बी द एसे टॉकिंग अबाउट? रिफॉर्म्स इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वो आईएमएफ हो जाए, वो वर्ल्ड बैंक हो जाए, वो आईएईए हो जाए, वो डब्ल्यूएचओ हो जाए, सबके सब के अंदर हेजेमनी है, किसी ना किसी कंट्री को फेवर करते हैं ये सारे एजेंसीज, दे फेवर वन कंट्री एटलीस्ट, ठीक है। तो प्लीज लिंक दीज केस स्टडीज, दीज आर केस स्टडीज, और ये साफ साफ दिखा रहा है ये न्यूज दैट ईरान और यूएस का न्यूक्लियर, ईरान और यूएस के पीस टॉक्स टूट जाएंगे, ठीक है। तो इस न्यूज से क्या उठाना है? आईएईए के बारे में डिटेल्स एंड आईएईए का एडिशनल प्रोटोकॉल, सब के सब डिपेंड करते हैं यूएस पर, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एवरी एजेंसी इज बीइंग लेड बाय अ डेवलप्ड कंट्री, लेट मी टेल यू। तो आईएईए के बारे में प्रीलिम्स के लिए रेडी रहिएगा। व्हाट इज द एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ आईएईए? इट्स अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जिसे आप नए घर में जाते हैं, रेंट एग्रीमेंट करते हैं, उसका एक डेट होता है एक्सपायरी का एग्रीमेंट का, वैसे ही ये है। वही ईरान कह रहा है कि एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया है, ठीक है, ईरान और आईएईए के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, ईरान इंस्पेक्ट करेगा, फोटो भेजेगा आईएईए को, ठीक है, ईरान ने कह रहा अब एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया, ठीक है, अब मैं रेंट नहीं दूंगा, मतलब फोटो नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, थर्ड न्यूज आज का, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एसए के लिए रेडी रखिएगा, एसए दिस इज अ क्रूशल केस स्टडी अप्रोच, थर्ड
न्यूज आज का, इन मिजोरम स्टूडेंट स्टडी वेयर इंटरनेट कैन बी फाउंड। अब मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। यूएस ईरान टॉक्स फेल्ड बिकॉज ऑफ द इनकमिंग ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप्स प्रेसिडेंसी बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी एंटागोनिस्टिक टूवर्ड्स ईरान, एंड वो भी कहा जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी जब भी आती है पावर में यूएस में, इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन ईरान यूएस रिलेशंस। तो आइए देखिए, मिजोरम में स्टूडेंट स्टडी वेयर एवर इंटरनेट कैन बी फाउंड। इन द एज ऑफ वर्क फ्रॉम होम स्टूडेंट्स इन मिजोरम आर स्टडिंग फ्रॉम एनी वेयर विद अ सिग्नल स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आर ऑल्सो शेयरिंग स्मार्टफोन्स। क्या शेयरिंग, देखिए क्या शेयरिंग है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखिए, सीखना पड़ेगा इन लोगों से। देखिए एक मोबाइल फोन में 5 लोग मिलकर बैठकर स्टडी कर रहे हैं, एंड साथ में ये देखिए, ये एक और एग्जांपल है डिजिटल डिवाइड का। बट फॉर मोर देन 2 मंथ्स वॉकिंग अप एंड डाउन द हिल्स थ्रू जंगल्स फॉर क्लासेस वॉज एज गुड एज ट्रेवलिंग टू हिज गवर्नमेंट कॉलेज। ये केस स्टडी दिया हुआ है, कोई रिवर बैंक पे बैठा हुआ है, कोई ब्रिज पे बैठा हुआ है, कोई हिल टॉप पे बैठा हुआ है, कोई पेड़ के ऊपर बैठ गया है। ये देखिए यू कैन सी इट हियर, इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। डू यू थिंक इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइड? ये देखिए, और आप कहते हैं कि सर मेरे को कुछ नहीं मिलता, मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं मैं तैयारी कैसे करूंगा, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। ठीक है, यहां देखिए बच्चा लोगों को, वन शुड लर्न फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स कि पढ़ने की, देखिए पढ़ने के लिए जज्बा चाहिए, द पैशन, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ये देखिए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इस न्यूज को, ये केस स्टडी है मिजोरम, मिजोरम इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज इट फेसिंग लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी? टेल मी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या एक सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी? ये देखिए, एक्सेसिबिलिटी लैकिंग होता है, एग्री कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर लीजिए या कम्युनिकेशन कर लीजिए। और ये एग्जाम्पल डिजिटल डिवाइड का भी है, एजुकेशन डिवाइड का भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रॉब्लम्स का भी है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एक्सट्रैक्ट 20 वर्ड्स। केस स्टडी 2 आ गया, जम्मू कश्मीर का एक केस स्टडी आया था, ठीक है। अब एक केस स्टडी आ गया यहां का, फ्रॉम मिजोरम, दैट देयर इज इनफैक्ट एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन द सिनेरियो ऑफ COVID-19, बट मैनी पीपल डोंट हैव प्रॉपर वाईफाई, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैनी रीजन्स डोंट हैव ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, मैनी पीपल डोंट हैव स्मार्टफोन्स, अ क्लासिकल केस ऑफ डिजिटल डिवाइड, एंड डिजिटल डिवाइड इज लीडिंग टूवर्ड्स एजुकेशन डिवाइड इन द कंट्री। डू यू एग्री? ये देखिए, डिजिटल डिवाइड से एजुकेशन डिवाइड भी बढ़ रहा है, चिंता की बात है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ज्यादा परेशानी फेस कर रहा है, चिंता की बात है। और इसमें मैक्सिमम जो बच्चा लोग है यहां पे ट्राइबल्स के बीच के होंगे, टेल मी, ट्राइबल्स आर दे फेसिंग द मैक्सिमम ब्रंट ऑफ द प्रेजेंट COVID-19? यस, ट्राइबल्स आर वल्नरेबल सेक्शन, वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और समस्या। तो चलिए आगे बढ़ जाए, 20 वर्ड्स यहां से निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, अब तो आप सीख लिए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाए, अगला न्यूज ये देखिए स्टूडेंट्स, चाइना का ड्रैगन मैन, ये तो न्यूज में आया ही था, ठीक है। तो मैं बस यहां बता दूं आप लोगों को, दैट आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज में आया यस्टरडे ओनली, चाइनाज ड्रैगन मैन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड वेयर इट फिट्स इन द एवोल्यूशनरी ट्री ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। अब आप बोलिए सर आपने पढ़ाया हुआ, आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? हम ये दोबारा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेट मी टेल यू, लेकिन यहां पे जिसका एंथ्रोपोलॉजी और जूलॉजी ऑप्शनल है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल, उन्हें कंप्लीट ह्यूमन ट्री देखना है, एवोल्यूशन का ट्री देखना है। ट्री मींस कैसे कैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा है ह्यूमंस का, और इसके बारे में कहा जाता है ह्यूमन बींग्स जो आज के हैं, ठीक है, द होमो सैपियंस द स्पीसीज टू विच ऑल एग्जिस्टिंग ह्यूमन बींग्स बिलोंग। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस प्रीलिम्स, होमो सैपियंस सैपियंस द स्पीसीज टू विच ऑल एग्जिस्टिंग ह्यूमंस बिलोंग,
evolved in Africa nearly 3 lakh years ago. Very important data. As a result of some dramatic climate change events. ये देखिए क्लाइमेट चेंज से ये हुआ है. यस, नेचुरल क्लाइमेट चेंज था उस समय. उस समय मत सोचिएगा कि उस समय क्या कहते हैं पॉल्यूशन एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस थे ही नहीं उस समय. ठीक है. और लिखा हुआ है कि नियनडर्थल्स वर द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट आर द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट ह्यूमन रिलेटिव्स. नियनडर्थल मैन सुना है आपने, लिव्ड अबाउट 4 लाख ईयर्स अगो. 4 लाख से 40,000 ईयर्स अगो तक ये यूरोप और सेंट्रल एशिया में रहते थे. ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं. अब जो नया जो ये इंसान पाया गया है, ठीक है, चाइना में, ठीक है, चाइना में पाया गया, ड्रैगन मैन कहा जा रहा है. ड्रैगन रिवर के ऊपर नाम पड़ा है, ड्रैगन रिवर, रिवर ड्रैगन. अब आप बोलेगा ठीक है सर, लेकिन अब इसके आगे प्रीलिम्स में तो इतना हो गया सफिशियंट. यस, तो इसके आगे इतना ज्यादा डेटा किस चीज का दिया? ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बच्चा लोग, ये देखिए पढ़िएगा अब आप लोग. 21 स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस आज तक पाए गए हैं, ये देखिए पूरे एवोल्यूशनरी ट्री में. ये देखिए आपको सब कुछ देखना है. आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब देखना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए. गेटिंग द पॉइंट विद द फीचर्स. ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं इसमें तो कितने आपके एंथ्रोपोलॉजी में सिलेबस में दिए हुए हैं. होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये देखिए, होमो फ्लोरेसेंसिस, ये देखिए, ये इंडोनेशिया में पाया गया था जस्ट 1 decade back. होमो हिडेलबर्ग, ये देखिए. तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी में एक भी छोड़ना नहीं है इनको. ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए जानलेवा हो जाएगा मेंस. ये देखिए, इफ 10 marks क्वेश्चन कम्स ओवर हिडेलबर्ग मैन, ठीक है. और ये देखिए फ्लोरेसेंसिस मैन, ये देखिए होमो इरेक्टस, यू हैव टू लिंक दिस नेम्स. अब आप बोलेगा कि सर और भी कुछ आ सकता है क्या? यस, जीएस प्रीलिम्स वन मोर थिंग कैन कम, लेट मी टेल यू. ध्यान से सुनिएगा, ये 21 स्पीसीज में, ठीक है, मींस ये 21 स्पीसीज क्या दिखाता, क्या दर्शाता है? फ्रॉम द चिंपैंजीज फ्रॉम द एप्स फ्रॉम द प्राइमेट एनिमल्स जो है आज तक इंसान बनने में ये 21 स्टेप्स हैं. क्या ये स्टेप्स पूरे हैं? नहीं. ठीक है, क्या ये स्टेप्स पूरे हैं? नहीं. ये 21 स्टेप्स खोजे गए हैं, सबका एज निकाला गया. ये देखिए अभी भी कितने जगह गैप्स हैं, गैप्स आर एग्जिस्टिंग, इसीलिए खोज चल रही है. दिस विल गो ऑन अंटिल पूरा निकल जाए, पूरा का पूरा कंप्लीट चेन. अब इसमें जीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द लास्ट 4, ये देखिए जो रिसेंट अभी तक, ये देखिए होमो सैपियंस, हमारे बारे में बात हो रही है, नियंडरथल मैन, उसके पहले हिडेलबर्ग मैन, उसके पहले फ्लोरेसेंसिस मैन. ये देखिए ये 4 का इवोल्यूशनरी ट्रेंड, कौन पहले आया कौन बाद में जरूर देख लीजिए. गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, फ्लोरेसेंसिस, हिडेलबर्ग, नियंडरथल एंड होमो सैपियंस, चारों शुरू से लेकर अभी तक, ये है ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए यहां पे ईयर्स दिए हुए हैं, जरूर से देख लीजिएगा. ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज, होमो सैपियंस कब इवॉल्व किए, नियंडरथल मैन कब इवॉल्व किया, हिडेलबर्ग मैन कब इवॉल्व किया, ये एज वाइज अरेंज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. फ्लोरेसेंसिस मैन आया था हिडेलबर्ग मैन के बाद में, ये एज वाइज अरेंज कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज फॉर प्रीलिम्स, यस, दिस इज फॉर प्रीलिम्स. ये ड्रैगन मैन कहाँ आता है? नियंडरथल मैन के साथ में, यहां पे. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? गॉट इट? ये देखिए 1,46,000 साल पुराना, 1,46,000 years old, यू कैन सी इट. ये देखिए, अब इतना डिफिकल्ट नाम तो रखना, अब ये तो पूछना पड़ेगा क्यों रखते हैं, लेकिन ये 4 मैन इंपॉर्टेंट है. हिडेलबर्ग, फ्लोरेसेंसिस, फ्लोरेसेंसिस का मतलब है वो फ्लोरिस, एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहां के आइलैंड के नाम पे पड़ा है, फ्लोरिस के नाम पे. ठीक है, हिडेलबर्ग रीजन है, नियंडरथल, ठीक है, ऐसे ही करके रीजन्स हैं, जगह है जिस पे नाम पड़ा है.
चलिए आगे बढ़ जाएं। आई सपोज दिस इज क्लियर। इतना आपको देखना पड़ेगा, ये चार प्रकार के इंसान ठीक है देखने पड़ेंगे आपको। और ये देखिए कोविड 19 का न्यूज आया है, ये देखिए सेंटर रेजेस अलर्ट ऑन डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये तो कल का न्यूज है, आपने देखा होगा इसमें कुछ क्या बताएं हम ठीक है। डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है मच मोर स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग टू लंग सेल रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ द लंग सेल, ज्यादा तेज बाइंडिंग करता है ये कहा जा रहा है। इसी वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट नया म्यूटेंट वायरस, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है ठीक है। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तो एक पहला न्यूज हो गया। सेकेंड न्यूज, दिस इज अ क्रूशियल वैल्यू एडिशन, वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स फॉर द पुअर रेसाइडिंग इन स्लम्स टू। ये देखिए तेलंगाना का न्यूज है, तेलंगाना ने एक नया कंसेप्ट निकाला मोबाइल वैंस वैक्सीनेशन। और मोबाइल वैंस वैक्सीनेशन में टेल मी स्टूडेंट्स, अब ये स्लम रीजन्स में भी ले जाया जा रहा है, स्लम रीजन्स ऑफ द सिटी। इज दिस अ बिग स्टेप? क्या स्लम रीजन्स में पीड़ित वर्ग रहता है? डू द वल्नरेबल्स रिसाइड इन द स्लम रीजन्स? यस, ये देखिए द वल्नरेबल सेक्शन, उसका केस स्टडी है ये, वल्नरेबल सेक्शन के लिए एक्स्ट्रा स्टेप। अब आप बोलेगा कि ठीक है सर, ये टॉपिक कहां आता है? स्लम्स टॉपिक जो है अर्बनाइजेशन में आएगा, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। कहां पे? जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सोसाइटी। और वहां पे अर्बनाइजेशन की एक समस्या, ये एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द कोविड 19, अ न्यू प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, स्प्रेडिंग ऑफ कोविड 19। एंड इसको टैकल कैसे किया जा रहा है स्लम एरियाज में? मोबाइल वैंस, यू कैन कोट इट, क्लियर? दिस इज अ केस स्टडी ऑफ स्लम्स एम्पावरमेंट, वल्नरेबल सेक्शन एम्पावरमेंट, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। ये देखिए टैकलिंग वैक्सीन हेसिटेंसी चैलेंज इन रूरल इंडिया, ये कल का ही न्यूज है स्टूडेंट्स। ये देखिए वैक्सीन हेसिटेंसी, अब इसमें वैक्सीन हेसिटेंसी के ऊपर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन हेसिटेंसी क्यों अकर कर रहा है लोगों में, इसके पीछे फैक्टर्स पूछ देगा यूपीएससी। फैक्टर्स आर द फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ये देखिए इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये देखिए फैक्टर्स टूवर्ड्स द गवर्नेंस, गवर्नेंस फैक्टर्स, ये देखिए। वैक्सीन हेसिटेंसी पे कल ये डिटेल आर्टिकल आया है और इसमें बहुत ज्यादा इनपुट्स आए हैं सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के। क्या सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, जो हमारा समाज है, जो कल्चर है, जो दिस क्या कहते हैं, जो अभी तक कस्टम्स ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, क्या वो भी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं वैक्सीनेशन पे? यस, पहली बार मालूम चला, ये देखिए बहुत बड़ा असर डालते हैं। क्या इसके पीछे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी भी होता है एक बड़ी वजह? पॉवर्टी इज लीडिंग टू वैक्सीन हेसिटेंसी, यस यू कैन सी इट हियर, ये केस स्टडी दिया हुआ रूरल राजस्थान का, ये देखिए। ऑल्सो मेनी टाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ डीप सीटेड फियर्स रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी टूवर्ड्स द गवर्नेंस, डीप सीटेड फियर्स, बिलीफ इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज, ये देखिए कि कुछ गलत हो सकता है, ये देखिए ये सब यहां दिया हुआ है इस जगह पे, रीजंस दिए हुए क्यों वैक्सीन हेसिटेंसी फ्यूल अप कर रहा है किसी किसी जगह पे, ट्राइबल्स में स्पेसिफिकली, गांव में स्पेसिफिकली, विलेजेस में, यस एक्सट्रीम फियर इन सम ट्राइबल बेल्ट्स, ये देखिए आपने देखा होगा अभी आया था उड़ीसा का एक विलेज का नाम, पूरे लोग भाग गए थे वहां से। तो व्हाट यू नीड आउट हियर, इसमें क्या क्या चलेगा स्टूडेंट्स। और ये देखिए वैक्सीन हेसिटेंसी इज नॉट अ रीसेंट फिनोमेनन लिखा हुआ है, ये अमेरिका से शुरू हुआ है, ये देखिए वहां तक शुरू हो गया है। अब इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, कैसे ठीक करना पड़ेगा? ट्रस्ट, ये देखिए सोशल ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, और इसी से सोशल ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा रोल है चाहिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का। डू यू एग्री? रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो एनजीओस काम कर रहे हैं फील्ड में, जो वहां पे प्रोएक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, डू यू एग्री? टेल मी स्टूडेंट्स, प्रोएक्टिव पीपल,
बहुत ज्यादा बड़ा रोल वहां पे चाहिए इन लोगों का, तभी ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा। इट्स नीडेड बिल्डिंग ट्रस्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स। आई सपोज वैक्सीन हेसिटेंसी पे आपको डिटेल, देखिए ये टेक अ रीडिंग, टेक आउट द फैक्टर्स। एक सवाल यहां बनता है, यहां पे क्वेश्चन एक बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स फ्यूलिंग वैक्सीन हेसिटेंसी, व्हाट आर द फैक्टर्स फ्यूलिंग वैक्सीन हेसिटेंसी। ये देखिए वैक्सीन हेसिटेंसी क्वेश्चन मार्क, एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। ये जीएस पेपर टू का टॉपिक है, गवर्नेंस का, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एनजीओस। एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग दिस वैक्सीन हेसिटेंसी, इन डिक्रीजिंग द वैक्सीन हेसिटेंसी। ये देखिए वैक्सीन हेसिटेंसी, देखिए स्टूडेंट्स मैं बता दूं इसके पीछे एक और बड़ी वजह है वैक्सीन हेसिटेंसी के पीछे, अगर किसी जगह तक विकास नहीं पहुंचा, डेवलपमेंट, तो दे विल नेवर बी, अगर अभी तक प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए इंप्लीमेंट करने में परेशानी हुई है, दे विल नेवर बी टोटली ओपन टूवर्ड्स एनी न्यू कंसेप्ट्स। इसलिए ट्राइबल्स भाग रहे हैं जगह जगह से। ठीक है, तो ये 10 marks 150 words। आइए अगला न्यूज देखते हैं, द नेक्स्ट न्यूज विच केम यस्टरडे ओनली। ये देखिए लास्ट न्यूज आज का, ये देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ट्रांसफर्स ऑफ डिफॉल्टर्स एसेट्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी। ये देखिए अगला स्टेप, ये देखिए नीरव मोदी साथ में दिस क्या कहते हैं विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इन तीनों लोगों का एसेट सेल करने के लिए हैंडओवर कर दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। इसे हैंडओवर किया पब्लिक सेक्टर बैंक को कि आपस में बेच लो ये सारी चीजें और पैसा निकाल लो। क्या ये तीनों लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व रहे हैं? वर दीज थ्री पीपल इन्वॉल्व इन फ्रॉड, टेल मी। एंड फ्रॉड में इन्वॉल्व लेकर लोन लेकर भाग गए ये सब। ठीक है, दे रैन अवे फ्रॉम इंडिया एंड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीज द एसेट्स नाउ। यही ये सारे केसेस देख रहा था फ्रॉड के, इकोनॉमिक फ्रॉड के सारे केसेस यही देखता है। ठीक है, अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज सेइंग दैट इसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपना 80% ऑफ द लॉसेस कवर कर लेंगे। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक जहां पे दिस नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी ने ये देखिए 22,585 crores का देखिए लॉसेस। और सेम थिंग मिस्टर विजय माल्या, यू कैन सी इट हियर, विजय माल्या ने कितना पैसा लिया ये देखिए। तो कहा जा रहा है दैट इससे अच्छा खासा रिकवर कर लेंगे बैंक्स पैसा। लेकिन टेल मी स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या ये पिछले 5 to 8 years जब से ये सब भागे हैं, क्या उसमें उस पैसे पे इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो रहा है? टेल मी, क्या वो पैसा कहीं और लगाया जाता तो क्या इंटरेस्ट गेन करता बैंक के लिए? बैंक के लिए इंटरेस्ट गेन करता, वो मिल नहीं रहा है अब इंटरेस्ट। डोंट यू थिंक इट्स अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट? बैंक्स कह रहे हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमारा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं लौट रहा है यहां पे। ठीक है, इंटरेस्ट की बात छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट भी मिलता वो भी लॉस। ठीक है, एंड साथ में हम लोगों की एक पूरी टीम है इसके लिए, हम लोग अपने बैंक में एक टीम रखे हुए हैं विजय माल्या के लिए, ठीक है, नीरव मोदी के लिए, उस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंसेस इन रिकवरी ऑफ द लोन्स एक्सपेंसेस। ये देखिए, तो ये न्यूज आया क्यों? ये न्यूज इसलिए आया है दैट दिस इज वन स्टेप, बट टेल मी स्टूडेंट्स, विल दिस आर देयर सम सिस्टमैटिक इश्यूज जिसके कारण की डीले होता है रिकवरी में इंडिया में? यही एक बड़ा मुद्दा है, डीले क्यों हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? देयर आर सम सिस्टमिक इश्यूज। ये देखिए सिस्टमिक इश्यूज में एक सबसे बड़ा इश्यू है, ध्यान दीजिएगा, दैट लोन जो देने का कंसेप्ट है, लोन्स जब दिए गए तभी फ्रॉड्स हुए थे। यहां कहा जा रहा है सबसे बड़ा मुद्दा तो है क्रेडिट या लोन देने में देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। डू यू एग्री? ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए
और इतना लीगल प्रोसीजर अब हो गया, लीगल प्रोसीजर्स इतने ज्यादा है, ये देखिए 2 मेनी लीगल प्रोसीजर्स। इंडिया में कहा जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, दैट अगर सही भी काम कर रहे हैं आप, इतना ज्यादा डिलेज होते हैं प्रोसेसेस में दैट कितनी बार सही काम भी रुक जाता है। ये देखिए, ये इनके एसेट्स निकालना, इनसे एसेट छीनना सही काम है। इट हैज टेकन 5 to 8 years, यू कैन सी इट, गेटिंग द पॉइंट? डोंट यू थिंक इट्स लीडिंग टू टू मेनी लीगल प्रोसीजर्स एंड इट्स अ बिग इश्यू? यस। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, थर्ड पॉइंट, बैंक्स के अंदर इतने सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं रिकवरी को लेकर, एंड लेट मी टेल यू, द रेगुलेशंस गिव मच स्पेस टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। लेट मी टेल यू, यस, रेगुलेशंस गिव स्पेस टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। स्पेस का मतलब क्या? आराम से पैसा लौटाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के फेवर में बेंट है बैंक के रेगुलेशंस, ये देखिए। अब बताइए क्या, डोंट यू थिंक दे आर सम इश्यूज विच शुड बी टैकल्ड? अब ये कभी नहीं ऐसा होगा कि देखिए, लोन रिकवरी इज नॉट द बिग इश्यू। लोन खराब हुआ क्यों और इतना लंबा समय लगा क्यों? सो दिस वॉज द आर्टिकल विच केम अप यस्टरडे इन द हिंदू, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं यहां क्यों डिस्कस कर रहा हूं, दैट देयर आर सर्टन इश्यूज, बस ये देखिए, इश्यूज, सिस्टमिक इश्यूज प्रिवेंटिंग द रिकवरी ऑफ लोन, बस ये सिस्टमिक इश्यूज वाला आप टॉपिक देख, क्लियर? इसीलिए कहा जा रहा है कि अब क्या डेट रेजोल्यूशन ठीक है, नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है, बहुत परेशानी है, ठीक है, सिस्टमिक इश्यूज को टैकल करना जरूरी हो गया, ये देखिए, ठीक है, यहां से बस। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स आज के लिए इस सेशन में, ठीक है। हम लोग अब मिलते हैं 8 बजे के सेशन में, ठीक है, 8 AM के सेशन में मिलते हैं, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। वी सॉ अबाउट द ड्रैगन मैन टुडे कंसेप्ट, वी सॉ अबाउट वैक्सीन हेसिटेंसी, वी कवर्ड ऑल्सो दिस टॉपिक ऑफ स्लम्स के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स, ये देखिए। वी ऑल्सो सॉ समथिंग कॉल्ड एज यू कैन सी इट हियर, this systemic issues in recovery of loans. We also saw digital divide in Mizoram. We also saw IAEA and Iran nuclear program. We also saw tech as a double-edged sword, use of drones in terrorism. So bas yahi pe ye session samapt hota hai. Namaskar students, Jai Hind, be proud to be an Indian citizen. मिलते हैं आप लोगों को 8 बजे, 8 बजे आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं द हिंदू के, और जिस क्या कहते हैं साथ में डाउन टू अर्थ का एक रहेगा सप्लीमेंट उसमें। नो नीड टू वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स इन करेंट अफेयर्स। एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल unacademy_anurag_singh। इस सेशन के फ्री PDF के लिए आप वहीं पर आइए, ठीक है, चलिए, टेक केयर, नमस्कार।